बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ भी हो खैरियत से हों। आप देख रहे हैं शाहिद इकबाल यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान हूँ। शाहिद इकबाल अपने चैनल में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स दोस्त हमारे, उनकी तरफ से कुछ हमें मैसेजेस मसूर है और कुछ और लोगों की तरफ से भी मैसेज मसूल हुई है। तो काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि यार पता नहीं ये वीडियोज़ कैसी बना देते हैं। देखें, हमने पहले ही भी आपको बताया कि मुकम्मल नचोड़ और मुकम्मल सबूत के साथ वीडियोज़ आपके साथ शेयर की जाती है। तो इससे सुबह हमने एक वीडियो अपलोड की, इसके बारे तमाम न्यूज़ चैनल पर उस तरह की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं। बहरहाल, इस वक्त जो मेन लोगों के दिमाग में एक बात दौड़ रही है और अभी तक जो सोलिसिटर हैं उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, आखिर ये खामोशी की वजह क्या है? क्योंकि हाँ, पटिशन मुकम्मल होने वाली थी तो उससे पहले भी कोई एक दो बयान आए सोलिसिटर के, लेकिन उसके बाद अभी भी कोई इस 24 घंटे के अंदर उनका बयान भी नहीं आया, शायद कल तक उनका बयान आ जाए। काफ़ी सारे दोस्त जनाब, एक कमेंट आपको ज़रा स्क्रीन पर शो होगा, जनाब लोग परेशान हो गए हैं, पता नहीं ये अखबार किसने चलाई। तो ज़रा इस अखबार को आप क्लियर करेंगे। अखबार ये चलाई गई है कि ये जो पटिशन दायर हुई है ये एक किस्म का एग्रीमेंट हो चुका है। नाज़रीन, इस मुस्तनद खबर को ज़रा गौर से सुनिएगा। पटिशन जो मुकम्मल हो चुकी है कि ये एक, जितने लोगों ने इसको साइन किया है, हमने भी कहा कि आपको साइन करें, तमाम माहिर इमिग्रेशन ने कहा कि इसको साइन करें, लेकिन अब इस अखबार को क्यों चला जा रहा है? SNP की जमातें, चैटी की तंजीमें और काफ़ी सारी जो तंजीमें इलीगल के हक में हैं, जबकि स्कॉटलैंड की हुकूमत भी इलीगल इमिग्रेंट्स के हक में है, तो अब इस तरह की अखबार क्यों चलाई जा रही है? इस न्यूज़ के बाद आपको तमाम न्यूज़पेपर और तमाम न्यूज़ चैनल पर दोस्तों ये खबर ज़रूर मिलेगी, और मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि ये खबर आपको देखने को मिलेगी। फिर ना कहना कि आप जो है ना ऐसी खबरें फैला देते हैं, मैं इसलिए पहले आप बता रहा हूँ आपको। नाज़रीन, खबर ये है कि इसको जो है आपने जो फिलअप किया है फॉर्म पटिशन का, ये आपने एक किस्म का उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम इजाज़त देते हैं, आप हमें बाइज्जत रिपोर्ट करें। यार, इस अखबार को निकालने वाले पे हैरत है, उसने अखबार क्यों निकाली है? बहरहाल, वो भी मंजर आम पर आ जाएगा, ठीक है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स परेशान हो चुके हैं कि ऐसा अगर वाक्य हो जाता है तो फिर हम तो गए, हमने अपने हाथों से अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। तो दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तो रात गए, पटिशन को मुकम्मल किया गया है, ठीक है। और ये अब इस चैनल के बाद तमाम न्यूज़ चैनल पर आपको ये न्यूज़ मिलेगी। ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनमें ये न्यूज़ चल रही है, आपस में जो लोग ग्रुप्स में ज्वाइन हो गए वो ऑलरेडी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे। फेसबुक ग्रुप हो गए या व्हाट्सएप ग्रुप हो गए या दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब्स के अलावा इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, तो ये तमाम उन प्लेटफॉर्म पर खबर गर्दिश कर रही है। और इस खबर को चलाने वाला कौन है अभी तक जो है इसका कुछ पता नहीं लग सका है। बहरहाल, जैसे भी इस बारे में पता लगेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। हम जस्ट आपको बताना चाह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 1 लाख बंदी की अब मुकम्मल हो चुकी है, इसकी डिबेट होनी है, यानी कि पार्लियामेंट इमिग्रेशन को भेजा गया, इमिग्रेशन वापस जितनी भी सिलेक्शन होगी भेजेगी, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट्स में कितने लोग सिलेक्ट होते हैं ये अब वक्त ही बताएगा, ठीक है। इससे पहले भी हम कुछ इशारे दे चुके हैं दोस्तों, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके हक में बेहतर फैसले करेगा। तब तक कितनी दुआ में याद रखें, मैंने कहा कि इस अखबार को ही आपके साथ क्लियर कर दें, ना कि आप थोड़ी देर बाद परेशान हो गए ये क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आप तमाम चैनल पर आप न्यूज़ देखनी। इसके बाद एक वो MPs वाला फॉर्म है वो आपने लाजमी दोस्तों फिल करना है, ठीक हो गया। तब तक कितनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।